हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। दोस्तों, और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ, और ये है ब्रेड पापड़ी चाट। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है बनने के बाद, और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और इसकी सामग्रियाँ यहाँ पर ये हैं। ब्रेड की स्लाइस लिए हैं, देख सकते हैं आप, और मैंने दही लिया है 3 बड़े चम्मच, और मैंने उसको इस तरह फेंट लिया है जिससे काफ़ी स्मूथ हो गई है और काफ़ी क्रीमी हो गई है। मैंने यहाँ पे एक आलू लिया है जिसको मैंने चिप्स की तरह काट लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कैचअप, टमाटो कैचअप, गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी भुजिया और काला नमक। अब इसके साइड्स जो है हम उसे काट लेंगे, सारे साइड्स को हम निकाल लेंगे, इसके एजेस को। और अब ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये मैंने 4 स्लाइसेस साइड से काट लिए इसे। अब ये देखिए, मैंने इसका ब्राउन पार्ट अलग कर लिया है, और ये बिल्कुल चारों तरफ से देखिए मैंने इसे क्लीन कर लिया है इसके ब्राउन पार्ट को, और अब इसको फ्लैट करेंगे। अब इसको जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह हम इसे फ्लैट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए, बिल्कुल इसे हमें फ्लैट करना है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल रोटी की तरह फ्लैट हो गया है। और बाकियों को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसे फ्लैट कर लिया है, बिल्कुल भी मोटा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से फ्लैट हो जाना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया है अच्छे से, बिल्कुल रोटी की तरह। और इसको मैंने एक बॉटल का छोटा सा ढक्कन लिया है, आप देख सकते हैं, और इसमें से हम दो इस ब्रेड के अंदर से 2 स्लाइस करेंगे, इसको काट लेंगे इस तरह। और ये देखिए, आराम से कट जाएगा, हम नाइफ का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से काटेंगे ताकि हमारा जो सर्कल है उसकी शेप खराब ना हो। और ये निकल गया है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से गोल हो गया है। इसी तरह हम बाकी सबको भी काट लेंगे। ये देखिए, और ये भी निकल आया इस तरह। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये भी ऐसे ही काट के साइड रख लेंगे हम, और जो बच्चे हैं उसको साइड कर लेंगे। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसे निकाल लिया है, गोल करके अच्छे से कट गए हैं। और दोस्तों, इस एक ब्रेड के अंदर से 2 स्लाइस निकली हैं, और मैंने 4 ब्रेड ली थी, इसलिए ये 8 स्लाइस हो गई हैं। इसको फ्राई करेंगे, और दोस्तों अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, और ऐसी आप जिस तरह मैंने काटा है गोल इस तरह काट सकते हैं, और आप नाइफ़ का या किसी भी बॉटल के ढक्कन का यूज़ करें, और ये बहुत इजीली कट जाते हैं, और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी आई है। स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने दही को फेंट लिया है, अब इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, आधा चम्मच, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही है, और इसे ऐड करेंगे हल्का सा, बिल्कुल हम हल्की सी से इसकी हल्की सी मिठास चाहते हैं, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि चीनी जो हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए, आप देख सकते हैं इसी तरह, और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर होना चाहिए दही का। हमने यहाँ पे तेल रख दिया है, मैंने यहाँ फ्राई करने के लिए ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई करने के लिए तेल रख दिया है, और ये अच्छे से गर्म हो गए हैं, और जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस थे उन्हें हम फ्राई कर लेंगे, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और गैस को थोड़ा सा सिम कर लेंगे। और हमें अच्छे से क्रिस्पीनेस चाहिए इसको। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से फ्राई हो गया ये, अब इसको हम निकाल लेंगे।
इसमें करीबन कुछ सेकेंड्स ही लगे हैं। और देखिए मैंने गैस को बंद कर लेती हूँ, ये मैंने गैस को बंद कर लिया है और ये हो गया। इसको तेल से निकाल लेंगे। अब इसको अरेंज कर लेंगे प्लेट के ऊपर। देख सकते हैं बिल्कुल पापड़ी जैसा हो गया है, कितना क्रिस्पी हो गया है। और अब इसको अरेंज कर लेंगे इसी तरह प्लेट पे। और अब जो हमारे आलू हैं अब उनको फ्राई करेंगे। आलू को हमने बिल्कुल पतला पतला काटा है, इसलिए इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे साथ ही सारे आलू को फ्राई कर लेंगे। और इस टाइम हम गैस थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे। आलू बिल्कुल बारीक पतले पतले कटे हुए हैं इसलिए आलू बहुत जल्दी हो जाएंगे। और हमें आलू थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए इसलिए मैंने गैस थोड़ी सी तेज़ कर दी है। आलू मैंने बहुत पतले काटे थे इसलिए बहुत जल्दी हो गए हैं, करीबन 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल चिप्स जैसे हो गए हैं। इनको निकाल लेंगे, इसी प्लेट में निकालेंगे जिसे मैंने नहीं रखा था। अभी सारे निकाल लिए हैं, इसका तेल भी ड्रेन कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इसको अरेंज करेंगे इन सब चीज़ों को। सबसे पहले हम आलू लेंगे और आलू पापड़ियों के ऊपर रखेंगे। जितने भी आलू हैं हम सबको ऐसे रख लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इस तरह से हम स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक। वैसे आप देख सकते हैं बस हल्का सा ही डालेंगे इस पर। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। हल्का सा हम जीरा पाउडर छिड़केंगे इसके ऊपर। अब थोड़ी सी प्याज रखाएंगे इस पर जो कि मैंने बारीक काट लिए। जितनी प्याज हम सारी डाल लेंगे। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डालूंगी। मैंने यहाँ पैकेट यूज़ किया है, आप लोग घर में भी बना सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है बस, हल्की सी मैंने डाली है। अब मैं इस पर दही डालूंगी स्वीट कर्ड, जिसे मैंने चीनी मिला के ऑलरेडी रख रखा है और ये काफ़ी स्मूथ हो गई है। दही डालते हैं हम कोई कंजूसी ना करें, अच्छे से हम दही डाल लेंगे। और अब जो हमारी मीठी सॉस थी चटनी थी उसे भी स्प्रिंकल कर लेंगे। अब ऐड कर देंगे थोड़ी सी आलू भुजिया। हमारी पापड़ी ब्रेड की पापड़ी चाट बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी बनी। मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखा है, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। और इसे दोस्तों अपने घर पे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी डिशेस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।